मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि करोड़ों लोगों के प्रति जवाबदेह है फेसबुक। जो भी उसको यूज करते हैं, जवाबदेही तो उनके प्रति थी। जवाब तो अंकित दास को उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल नहीं दिया। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी और मैंने उस खबर को पढ़ा उस रात, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मुझे लगा, चूंकि पिछले कई वर्षों से मैं लगातार देख रहा था कि तमाम पोस्ट जिनमें सामाजिक सौहार्द की बात हो, आदिवासी गिरिजनों की समस्याओं की बात हो, नक्सल प्रभावित इलाकों की बात हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, वो पोस्ट ऐसी पोस्ट हटा दी जा रही थी, ब्लॉक कर दी जा रही थी। आपको बताऊं कि जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि अंकित दास ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी है, तो मैं आश्चर्य में नहीं हुआ। मुझे न जाने क्यों, मुझे इस बात का अनुमान था कि ऐसा हो सकता है। दरअसल हुआ ये था कि जब मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की पोस्ट का, जब उसको पॉइंट बना करके मैंने अपने लगाया अपने फेसबुक वॉल पे, वो तेजी से वायरल हो रही थी। और उसके बाद एक किसी व्यक्ति ने, हिमांशु देशमुख जिनका नाम था, जिनके खिलाफ भी कंप्लेन हुई है, उन्होंने अंकित दास को टैग किया। जब उन्होंने टैग किया तो मैंने अंकित दास की प्रोफाइल देखी कि हमने कहा कि अच्छा ये महिला है। तो जब अगले दिन मुझे सूचना मिली कि किसी ने आपका नाम भी डाल दिया है कंप्लेंट में, तो मैं बहुत हैरत में तो नहीं रहा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमला कर रहा है फेसबुक पर, फेसबुक की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है, वैसे वक्त में वो और कुछ न करके जवाब मीडिया के सामने जवाब न देके, जनता के सामने जवाब न दे करके वो मुझे टारगेट कर रही है। एक सामान्य से व्यक्ति हिमांशु देशमुख जैसे बड़े एक लड़के को टारगेट कर रही है, अननोन लोगों को टारगेट कर रही है। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ। मुझे एक बात और भी लगी कि करोड़ों लोगों के प्रति जवाबदेह है फेसबुक। जो भी उसको यूज करते हैं, जवाबदेही तो उनके प्रति थी। जवाब तो अंकित दास को उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल नहीं दिया। मुझे अब ऐसा लगता है कि कम से कम एक बात तो जरूर हो गई है, फेसबुक जवाबदेही लेता है कि नहीं, और जनता को, लोगों को संतुष्ट करता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन जनता जान गई, फेसबुक के असली चेहरे को जान गई। ये जानना बहुत जरूरी था कि जो कुछ दिखता है वैसा है नहीं।